भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते असर के बीच एक अच्छी खबर आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दावा किया गया है कि भारत में कोरोना वायरस समाज में फैल नहीं रहा है, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति में पॉजिटिव लक्षण पाए गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी वजह से पूरे इलाके में इसका असर फैल जाएगा। लगातार पॉजिटिव आ रहे मामलों के बीच ये राहत वाली खबर हो सकती है। ICMR के सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 1000 सैंपल लिए गए हैं। उनसे पता चलता है कि देश में अभी कोरोना वायरस का दूसरा फेज चालू था, जिसके सैंपल लिए गए हैं। वो ना तो विदेश गए थे और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए थे जो विदेश गया हो। इन्हीं सैंपल के आधार पर यह सामने आया है कि भारत में अभी कोरोना वायरस ने विकराल रूप नहीं लिया है, जो कि आसानी से एक दूसरे में फैल जाए। ICMR ने इन सैंपलों को जांच के लिए अलग अलग लैब में भेजा था। हालांकि अभी ये विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। ICMR गुरुवार दोपहर को इस बारे में जानकारी देगा। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।